उदासी हर तरह। मैं तुम्हारी शादी के लिए समीना को जुबान दे चुकी हूँ। भाभी, I'm so sorry भाभी, मुझे माफ कर दे भाभी, पता नहीं मैं इस तरह क्यों करती हूँ। ये लड़की मेहरबानो ही है ना? वाह, इसे कोई मिटाए खुदा के लिए, ये मैंने नहीं किया। Behave yourself. मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाभी, कैसी हैं आप? तुम मुझे क्या किया फरिया? ले मेरी चीजें, अब तुम मेरी इज्जत से खेली हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसे छोड़ूंगी, इससे मैं जान से मार दूं। मेहरबानो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नहीं, वो वीडियो इसने बनाई है, इसने वॉशरूम में सेलफोन रखा था, पता नहीं कैसे ये बनी है। मैं इसे जान से मार डालूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे निकाल यहाँ से। फरिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने क्या किया फरिया? अल्लाह जाने क्या ड्रामा चल रहा है वहां। हसन सुबह से उधर ही है। बेचारा हसन, पता नहीं कैसे वहां सब कुछ संभाल रहा होगा। अरे मेरा बच्चा तो बस बेकसूरी फंस के रह गया है। तो बुला लो ना उसे वापस, वो वहां गया ही क्यों? उस लड़की से अगर हमारा कोई रिश्ता था भी तो अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा तो दिल बैठा जाता है ये सोच के कि जिस दफ्तर में लोग आते जाते मेरे बेटे को सलाम करते थे, उसकी इज्जत करते थे, चार दिन में इस लड़की ने इज्जत खाक में मिला दी। समीना, अब जब हसन कहीं जाए तो मेहरबानों का बिलाल से निकाह करवा दो। नंगी तलवार है जो हमारे सर पे लटक रही है, मोहब्बत का वास्ता दो। अब अस्पताल से आ जाए ना तो माँ बनकर अपनी झोली फैलाना, मान जाएगी और फिर उसका निकाह करवा दो। देखिए हसन, मर्ज की शिद्दत को जानने के लिए मरीज का जानना बहुत जरूरी है। मरीज समझ में आ जाए तो मर्ज खुद ब खुद समझ में आ जाता है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे ना बताई हो? डॉक्टर साहब, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं खुल के कीजिए। एक्चुअली मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इनकी कोई वीडियो लीक हुई है? आपको कैसे पता चला? ये बात आपको मुझे खुद बतानी चाहिए थी, और वैसे भी ये बातें छुपती कहाँ हैं? इनको इसी बात का गहरा सदमा हुआ। वैसे ये आपकी हैं कौन? मेरे खाला साहब भाई की बेवा है, अब हमारे ही घर में रहती है। हसन कहाँ है और मेहरबानो? भाभी की तबीयत खराब है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उनका बीपी हाई हो गया था, मुझे देख के काफी हाइपर हो गई थी वो।
बाकी बातें हसन से पूछ लीजिएगा। देखा देखा, मैं ना कहती थी बड़ी चलाक और होशियार है तुम्हारी बहू। भाई इसे जितना जल्दी हो सके फारिग करो। और तुम बात क्यों नहीं करती हो बिलाल की माँ से? अरे भाभी को घर तो आ जाने दे। अरे बेटा वो तुम वो क्या कह रही थी वीडियो का? हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं, आप लोग को अगर बात करनी है तो बात करके देख लें। अच्छा मुझे मेरा फोन ला दो, मैं खुद परवीन से बात करती हूँ। जी अजीब हो गया है सारा कुछ। हसन आप परेशान ना हो, मेरा स्टाफ है इनका ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर साहब वो अगर पॉसिबल है तो मैं मिल सकता हूँ? जी जी आप। थैंक यू। मैंने नहीं बनाई, वो फरिया ने बनाई। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो कैसे आई, कहां से। खैर मैं भी ये बात करने नहीं आया, सिर्फ देखने आया था। किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहां नर्सेज मौजूद है, ख्याल रखना। आपको लगता है कि वो वीडियो मैं बना सकती हूँ? आप भी मुझे गुनाहगार समझते हैं? बहू सही सलामत घर वापस आ गई ना, मेरे बेटे की शराफत के लिए यही जमानत काफी है। और रही केस की बात, तो वो आप लोगों ने हमारी वजह से नहीं, अपनी बदनामी की वजह से नहीं किया है। आप मेरे घर वालों को फोन कर दें प्लीज, वो अभी तक नहीं आए। मैं अभी कॉल कर देता हूँ उनको, आप परेशान ना हो। और तो कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं बस उन्हें कहे मैं इंतजार कर रही हूँ। पाजी आपसे कोई मिलने आया है? इस वक्त कौन आ गया? मैंने नाम तो नहीं पूछा, वो पहले भी आई थी। ठीक है चलो मैं देखती हूँ। आप? जी मैं। आपको खुशी नहीं है मुझे यहाँ देखकर? बैठिए। आप भी बैठे। मैं शादी की तारीख लेने आई हूं, दे देंगी ना? शादी? आप जबान तो दे चुकी हैं, और वैसे भी अब आपकी बहू एक रात बाहर गुजार के तो आ ही चुकी है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सच है ये। खैर मुझे तो कोई एतराज नहीं है आपकी बदकिरदार बहू को ले जाने पर। अगर ऐसी ही बदकिरदार है तो किसने कहा है शादी करने को? मना कर दीजिए अपने बेटे को। मना कर दिया है मैंने उसे, और आपको भी इनकार करने ही आई हूं मैं। आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी।
चली थी फौरन पल्ले बांधने के लिए मेरे। बताया नहीं आपने कि आपकी बहू ने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है? आपके बेटे को भी शराफत में कोई मेडल नहीं मिले हुए, उठाकर ले गया था मेहरबानों को। तो शुक्र करें कि हसन ने कोई केस नहीं किया, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहते आप लोग। आपकी बहू सही सलामत घर वापस आ गई ना, मेरे बेटे की शराफत के लिए यही जमानत काफी है। और रही केस की बात, तो वो आप लोगों ने हमारी वजह से नहीं, अपनी बदनामी की वजह से नहीं किया है। क्यों, आपके बेटे की नजर नहीं है उस पर? मेरे बेटे की शादी फरिया से तय हो चुकी है और वो फरिया को ही पसंद करता है। बस बस रहने दीजिए, ये झूठी तसल्लियां आप अपने आप को ही दीजिए। ऐसी बदनामी के बाद तो सगी माँ भी पहचानने से इनकार कर देती है। आप तो फिर भी अपने कुंवारे बेटे को ही बचा रही हैं। मैं यहां सिर्फ इस रिश्ते से इनकार करने के लिए आई थी। समीना जरा फरिया को तो बुलाओ। फरिया, फरी। जी अम्मी। इधर आओ। फरिया बेटा वो वीडियो कहाँ है, जरा मुझे दिखाना। वो वीडियो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, मुझे हसन ने सख्ती से मना किया। बेटा मैं हसन की माँ, मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे वो वीडियो दिखा। मैं भी तो जरा देखूं कि उस वीडियो में है क्या। मैं कैसे उस लड़की पे तरस खा सकती हूँ? उसकी इस हरकत ने मुझे कहीं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और वो बिलाल की माँ जो कल तक मेरे आगे जूतियां रगड़ रही थी, आज अपने बेटे को शरीफ कह रही है। मैं भी कहूँ कि उसे अभी तक पता कैसे नहीं चला। कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी वो औरत। वो समझ रही थी कि जैसे हम उसके हाथ पैर जोड़ेंगे कि अपने बेटे से मेहरबानों की शादी कर दो। अमीना अब तो अगर हमने किसी के हाथ पैर भी जोड़े ना, तो कोई इससे शादी नहीं करेगा। इस किस्म की लड़कियां जो है ना, इन्हें कोई ब्याता नहीं है, ये हमेशा मेरी जिंदगी का अजाब बन के रहेगी। लेकिन समीना मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोगों का सामना कैसे करेंगे, क्या कहेंगे उन्हें कि ये एक हादसा था। तुम्हें लगता है कि कोई हमसे पूछने आएगा कि ये कोई हादसा है? मैं तो समझती हूँ दुनिया सिर्फ हमारा मजाक उड़ाएगी, हम पे हंसेगी कि हमसे एक बेवा संभाली नहीं गई। मैं तो पहले ही अपने बेटे को रो चुकी हूँ, अब अपनी इज्जत को रो। अमीना खुदा के वास्ते मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। मैं तो कहीं की नहीं रही, मेरी बच्ची भी कहीं की नहीं रहेगी। कौन मानेगा इस बात को कि उसका इससे कोई वास्ता नहीं है? बेचारी फरिया भी कितनी परेशान हो रही थी उसके लिए, कितना रो रही थी। अमीना मेरी बच्ची बहुत मासूम है, जबान से कुछ भी कहते दिल की बुरी नहीं। तुमने देखा था ना कैसे तड़प रही थी उसके लिए। लेकिन तुम देखना, जब जब मेहरबानों का नाम आएगा, मेरी बच्ची का भी जिक्र आएगा। वो तो बेवा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बच्ची तो कवारी है, मुफ्त में बदनाम हो जाएगी। आज परवीन ने कहा है, कल हर कोई यही बात कहेगा। बस समीना, मेहरबानों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मेहरबानों अब इस घर में कभी नहीं आएगी, हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब नहीं। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, बेटे खोने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। वो कहीं भी चली जाए, दारुलमान चली जाए, किसी हॉस्टल में चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन इस घर में अब वो नहीं आएगी।
डॉक्टर ने कहा है कि आपको अभी थोड़ी देर में प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरी फैमिली में से कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया, शायद थोड़ी देर में आ जाए। यहाँ रुकना भी अलाउ नहीं है। अभी तो आपके घर वालों को भी नहीं बताया कि आपको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप उन्हें फोन करके बता दें। जी। तुमने बीपी चेक किया इनका? जी डॉक्टर, मैंने रीडिंग ले ली है। गुड मेहरबानो, अब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप दवाई लो और आराम करो। आप मेरे घर वालों को फोन कर दें प्लीज, वो अभी तक नहीं आए। मैं अभी कॉल कर देता हूँ उनको, आप परेशान ना हो। और तो कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं, बस उन्हें कहें मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, नर्स इनकी ड्रिप खत्म हो जाए तो इनको रूम में शिफ्ट कर दी। जी डॉक्टर। मैंने तो तय कर लिया है, अगर वो यहाँ आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और अगर अमीना को बहुत हमदर्दी है उससे तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी। ये सब कुछ तुम्हारा किया था, इस हालत तक वो सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। तुम जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ, क्या है? ये तो मैंने नहीं पूछा, नीचे गार्ड आया था देने के लिए। मेहरबानों को नौकरी से निकाल दिया। फरी, फरी, अरे फरी उठो बेटा, ये देखो जरा। मम्मी अभी तो सोई थी मैं। अरे ये देखो, मेहरबानों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, दफ्तर वालों ने निकाल दिया उसे। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? देखो खुद पढ़ो जरा क्या लिखा है। मेरे बेटे को तो पहले ही दफनाई आए थे, अब तो उसकी इज्जत की भी फातिहा पढ़ ली। अम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ, भाभी को क्या बोलेंगे कि क्यों निकाला है? अरे इतनी बदनामी भी बिना निकालते? और वो लड़की जिसे मार के आई थी उसने नहीं शिकायत की होगी? अम्मी लेकिन इस सिचुएशन में तो कोई भी होता इसी तरह रिएक्ट करता। भाभी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती ना उस लड़की की थी। अब उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो भाभी को वीडियो दिखाती, मतलब किसी की भी हालत खराब हो जाए ना ऐसा कुछ देख के। अरे वो ना बताती तो तुम समझती हो कि और कोई भी ना बताता? सारी दुनिया को खबर थी, बस एक हम ही बेखबरी में मारे गए। हमें भाभी का कोई कसूर नहीं था, वो तो इतनी मासूम सी हैं। वो मासूम नहीं है फरी, उसने मेरे खानदान की नाक कटवा दी, बहुत बड़ा जुर्म किया है उसने। अम्मी आप भी ना भूलें कि हमने क्या जुर्म किया था, अगर हम उन्हें घर से ना निकालते ना तो वो बिलाल के पास जाकर ना ठहरती, और बिलाल इस तरह सैबोटेज नहीं करता उन्हें। मैंने तो तय कर लिया है, अगर वो यहाँ आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और अगर अमीना को बहुत हमदर्दी है उससे तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी। अम्मी हमने ऑलरेडी उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है, अब जो भी कुछ होगा मैं उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लूंगी। मुझे क्या कह रही हो, ले मेरी चीजें, मेरी इज्जत से खेली हो। वो वीडियो इसने बनाई है, इसने वॉशरूम में वो सेलफोन रखा था, पता नहीं कैसे इसने किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हेलो, जी ठीक है। अमीना तुम क्या समझती हो, तुम्हारे ये सब करने से हसन मान जाएगा?
मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो कभी नहीं मानेगा। उसे मनाने के लिए मुझे यहां से जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं उसकी सुनती रही तो वो अपनी करता रहेगा। मुझे तो नहीं लगता कि मेहरबानों के मामले में वो किसी की भी सुनेगा। जैसे उस लड़की को छुट्टी होगी, हाथ पकड़कर सीधा इसी घर में लाएगा। अरे ऐसे कैसे लेकर आ जाएगा? ये मेरा घर है, कोई सराया नहीं है कि जिसका दिल चाहा मुंह उठाया चला आए। बस बहुत सुन चुकी, अगर वो उसे इस बार घर में ले आया ना तो उसे इस घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा और फरी का क्या होगा? हम दोनों को तो सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? समीना, तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर वो इस बार उसे घर ले आया तो उसे निकालना मुश्किल होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है अमीना, मैं तो फरी के लिए परेशान हूं। हसन उससे शादी नहीं करना चाहता और वो उसी के नाम पे बैठी है, वो और किसी से शादी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, हसन की शादी फरीहा से ही होगी, चाहे वो कुछ भी बोले। मैं मेहरबानों को हसन की जिंदगी में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, उसे मेरी बात माननी ही होगी। मगर मुझे डर है अमीना, वो मेहरबानों को यहाँ ले आया तो हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात से पीछे हटेगा। देखा नहीं था कैसे खामोशी से सब कुछ सुनता रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया? अरे वो कुछ कहे या ना कहे वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। समीना, मैंने सारी उम्र मेहनत की है, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की है उस पे, अब उसकी बारी है। अल्लाह करे वो मान जाए। मेहरबानों एक बेटे को तो दूर कर चुकी है, अब दूसरे को ना करे। ऐसा ही होगा, मानना ही पड़ेगा उसे। तबीयत कैसी तुम्हारी मेहरबानों? ठीक। चलो शाबाश, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेरे घर से कोई नहीं आया? तुम पहले ही दवा खा लो। आपने उन्हें फोन किया था ना? तुम पहले ही मेडिसिन ले लो, उसके बाद मैं उन्हें कॉल करती हूँ। अब इसी तरह से अगर दवा लेती रहोगी तो देखना, आज रात तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप उन्हें फोन कर देंगी ना? हाँ, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, तुम अब रेस्ट करो। बीबी जी, मैं मैले कपड़े लेने आई थी, ले लूं? क्या बात है, आप ठीक तो हैं? हसन साहब भी आए तो बड़े परेशान हैं। हसन आ गया? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन हसन, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मुझे रात को कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा अच्छा, भाभी कैसी है मुझे ये बताओ। मेहरबानों, बहुत हालत खराब है उसकी और तुम जिम्मेदार हो इस चीज की। तुम मेरी वजह से हुई है? मैं कैसे जिम्मेदार हो गई? कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने तुमसे प्यार किया था और इसी वजह से मैंने भाभी को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये गलत बात है कि तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। ये सब कुछ तुम्हारा किया था। इस हालत तक वो सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। तुम जाओ यहां से, जाओ। मेरा किया था?
ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि मैंने ये सब किया है और मैं ऐसा क्यों करूंगी? देख, मेरी तो सिर्फ उस्मान साहब से बात हुई थी फोन पे, उन्होंने मुझे बताया था कि भाभी की तबीयत एक वीडियो देखने के बाद खराब हो गई थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बिलाल, बिलाल के साथ मिलके किया है तुमने ये सब। हसन, ऐसे इल्जाम ना लगाओ मुझ पे कि तुम्हें बाद में माफी मांगते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं तुम्हें बताऊं वो मुझे कितने कॉल करता है, मैं उसकी एक कॉल ही लेती। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मुझे कितने कॉल। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। सर, मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन मेरा एतबार तो करो। मैं तुम्हारा बेटा। ये क्या बदतमीजी है, आप क्यों गुस्सा है मेरे घर में? ओ बीबी, जल्दी से बता दे कि कहाँ छुपाया उसे। अब मैं ठीक हो गई हूँ, सुकून में हूँ, तो बस पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। हम लोग सिर्फ आपको ये बताने आए थे कि हम लोग जा रहे हैं। अरे मगर तुम लोग यहाँ से क्यों जाओगे और कहाँ जाओगे? जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, लेकिन सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करवाइए, आज जिस जिस वेबसाइट पे मौजूद है, अभी और इसी वक्त। मैं उसे कोई और मौका नहीं देना चाहता। अच्छा, अगर मजीद डिटेल्स चाहिए तो मैं लॉयर को भिजवा देता हूँ, या अगर आप कहें तो मैं खुद भी हाजिर हो सकता हूँ। जी, अभी मैं उसका एड्रेस और फोन नंबर वगैरह सब कुछ भेज देता हूँ। जी, मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बिलाल, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? अम्मी, मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। क्यों, अब क्या आफत आ गई? अम्मी, मैं आपको सब बता दूंगा, मेरे बारे में कोई पूछने आए तो मना कर दीजिएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कुछ बताने जी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं वहाँ पहुँच के आपको सब बता दूंगा। अरे बात तो सुनो मेरी। बिलाल, मैं तुम्हारा बेटा। ये क्या बदतमीजी है, आप क्यों गुस्सा है मेरे घर में? ओ बीबी, जल्दी से बता दे कि कहाँ छुपाया उसे। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, आओ पूरे घर की तलाशी लो, जल्दी जाओ। देखिए बीबी, अभी भी बता दे कि उसे कहाँ छुपाया है, वरना हमें बदतमीजी करने पे मजबूर नहीं करें। मैंने आपको बताया ना कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अभी भी बता दीजिए, वक्त है आपके पास। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कोई नहीं है सर अंदर। देखो बीबी, शराफत से हमें बता दो कि उसे कहाँ भगाया है, वरना हमें बदतमीजी करने पे मजबूर नहीं करो। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ नहीं रह रहे बस। अच्छा तो मुझे वजह तो बताओ, आखिर हुआ क्या है जो एकदम यूं जाने को कह रही हो? अम्मी, वो हसन ने कहा है कि मैंने वो वीडियो बनाई है। क्या, हसन का दिमाग तो सही है, हमें अपने पास रहने के लिए जगह दी है, तो इसका मतलब है जो मुंह में आए कह दे। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ कि हमें रहने के लिए छत दी है, तो इसका मतलब है हमारे पैरों तले जमीन खींच लेगा। अम्मी, हम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहेंगे, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझ पर इस तरह का शक करे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मी, बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हिम्मत तो देखो उसकी, तुमने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा और उल्टा तुम्हें इल्ज़ाम दे रहा है। हाँ, लेकिन आप हसन से कुछ भी नहीं कहेंगे, हम बस यहाँ से जा रहे हैं, मैंने सब सोच लिया है, आप अपना जाके सामान पैक करें। क्यों ना कहूँ, मैं तो उससे जरूर पूछूंगी, हमें इसलिए बुलाया था कि जलील करे उस लड़की के सामने हमें, मैं तो अमीना से बात करूंगी जा। अम्मी,
हेलो हसन, हम मेहरबानों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप उन्हें आके ले जाएं। जी ओके। मम्मी तो कुछ भी हो जाए इस घर में हम बिल्कुल नहीं टिक सकते। लेकिन बेटा हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं जिसके हाथ से चल पड़े। कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे अम्मी, कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा, वरना तो जो कुछ है वो भी खो देंगे। मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, बच्चा ही क्या है मेरे पास। अम्मी आप खाने से कुछ नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलूंगी, ये कौन सा तरीका है एहसान का बदला लेने का? माना कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है और वो बदला भी ले, अगर ये ऊट पटांग किस्म के इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? समीना ये फरी क्यों रो रही है? क्या करे बेचारी, रोने के सिवा उसके पास अब चारा भी क्या है? फरी बेटा बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? खाला हसन ने कहा है कि मैंने भाभी की वीडियो बनाई है। लेकिन बेटा तुम क्यों ऐसा करोगी? पता नहीं खाला, पता नहीं, हसन को मुझ पर यकीन ही नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने बिलाल के साथ मिलके ये सारा ड्रामा बनाया ताकि भाभी उसकी नजरों में गिर जाए। अमीना तुम लोगों ने हमसे इस घर में रहने का अच्छा बदला लिया। अरे मेरी बच्ची तो उन दोनों की शादी करवा रही थी, वो तो हमें मना रही थी, मेरे रोकने के बावजूद उस दिन हसन के पास अस्पताल गई और आधी रात को उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। समीना खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता कि हसन ने क्या कहा है और क्यों कहा है। मैं अभी हसन से बात करती हूँ। नहीं खाला आप हसन से कुछ नहीं कहेंगी, मेरा रवैया इतना बुरा रहा है भाभी के साथ कि अब मैं चाहे जितनी भी अच्छी हो जाऊं उनके साथ जो कुछ भी होगा वो सब का इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा और मैं और इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूं, अब मैं ठीक हो गई हूँ, सुकून में हूँ, तो बस पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। हम लोग सिर्फ आपको ये बताने आए थे कि हम लोग जा रहे हैं। अरे अगर तुम लोग यहाँ से क्यों जाओगे और कहाँ जाओगे? कहीं भी चले जाएंगे लेकिन यहाँ वापस नहीं आएंगे। समीना खबरदार जो तुमने आइंदा कभी ऐसी बात की। तुम लोग इस घर से क्यों जाओगे? ये तुम लोगों का घर है, तुमने यहीं रहना है। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो मेहरबान हो जाएगी। मुझे भरोसा है तुम पर। आपको मुझ पर भरोसा है? तुम मुझसे शादी कर ले हसन। ये चाहती थी कि मेरी उम्र से भी शादी ना हो, बताओ सबको क्यों बर्बाद किया मेरी जिंदगी तुमने? ये बिलाल के साथ मिली हुई है, इसने वीडियो बनाई। तुम्हारे कहने पर मैं मेहरबानों को साथ लेके जाती हूँ, मेरे कहने पर तुम्हें मेहरबानों से शादी का ख्याल दिल से निकालना होगा। ATV सारे रंग हमारे।